दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए 26 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इसको लेकर गोपाल राय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान जो है उसके अनुसार दिल्ली में अब ठंड जो है वो बढ़ने लगी है, और साथ ही साथ जो हवा की स्पीड है वो भी कम हुई है, जिससे प्रदूषण के स्तर को बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो गैस है वो अब वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पा रही है, तो जितने पार्टिकुलेट मैटर हैं वो अब नीचे आ रहे हैं, और उसको देखते हुए अब दिल्ली के अंदर ग्रैप का जो दूसरा चरण है उसको लागू कर दिया गया है। जितने ग्रैप के दूसरे चरण में जितने स्टेप हैं उसका दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए जितने संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को आज दिल्ली सचिवालय में उनकी मीटिंग बुलाई गई है, जिससे कि उसकी कार्ययोजना बनाई जाए और मजबूती के साथ ग्रैप के जो नियम हैं उनको दिल्ली के अंदर लागू किया जा सके, जिससे कि जो चूंकि मौसम तो अपने हाथ में नहीं है लेकिन जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे कि जो सेहत पे असर पड़ता है वो कम से कम हो सके। देखिए, जो ग्रैप टू का जो चरण होता है उसमें मुख्य तौर पर जो वाटर स्प्रिंकलिंग है, सफाई है, जो इस तरह के जो अभियान चल रहे थे उसको और तेज किया जाएगा। साथ ही साथ उसके तहत जैसे बसें हैं, मेट्रो है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का उसमें प्रावधान है। साथ ही में जैसे पार्किंग शुल्क है उसको बढ़ाने का प्रावधान है, जिससे कि गाड़ियों जो है कम सड़क पर आए। उसके अलावा जैसे अब चूंकि ठंड बढ़ गई है तो ठंड बढ़ने का मतलब है कि अब धीरे धीरे लोग अलाव जलाना शुरू करेंगे, तो ग्रैप टू के तहत जो RWA के लोग हैं वो अपने गार्ड्स को इनको जो है हीटर प्रोवाइड करें, जिससे कि वो अलाव जलाने की तरफ न जाए, तो ये प्रावधान अब ग्रैप टू के तहत जो है वो इम्प्लीमेंट करने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।